सो हाय वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBA इन डिजिटल मार्केटिंग। तो आपने सुना होगा, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, बट डिजिटल मार्केटिंग है क्या, क्या ट्रेंड्स हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में। लेट्स स्टार्ट। सो इफ यू आर एन MBA एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है, या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। So welcome back to this episode and we'll start this episode with an overview की simple सी चीज़ है। अगर हम digital marketing की बात करें तो इसमें आप you know website, apps, mobile devices, social media, search engine, other digital means use करते हो to promote your products and services। So जितनी भी चीज़ें हैं digitally, either we talk about Twitter पे आपको कुछ promote करना है, LinkedIn पे, Facebook पे, WhatsApp पे, Instagram पे, तो जितनी भी इवन वेबसाइट यू नो गूगल पे कोई सर्च कर रहा है तो रैंकिंग योर वेबसाइट योर कंटेंट, तो आइदर इट्स वेबसाइट, इट्स एप्लीकेशन, इट्स मोबाइल डिवाइसेस, इट्स सोशल मीडिया, सर्च इंजन एंड अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म यू यूज टू प्रमोट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दैट्स व्हाट डिजिटल मार्केटिंग इज ऑफ। अब ट्रेंड्स में तीन चीज़ें हैं जो अभी आप बहुत रीसेंट देखते हैं। वन इज पॉडकास्ट जो ट्रेंडिंग है, एवरीबडी स्टार्टेड मेकिंग पॉडकास्ट। आप आई दिन यू नो जब यूट्यूब ओपन करते हो तो आप देखते हो इसका पॉडकास्ट, यू नो इसका पॉडकास्ट, यू नो यू नो पॉलिटिशियंस आर डूइंग पॉडकास्ट, फिल्म्स यू नो फिल्म स्टार्स का पॉडकास्ट, यू नो बहुत सारे लोग, तो पॉडकास्ट जो है वो अभी न्यू ट्रेंड में है। फिर उसके बाद शॉर्ट फ्रॉम कंटेंट, दैट इज़ नॉट शॉर्ट फ्रॉम कंटेंट, इट्स शॉर्ट कंटेंट। यूट्यूब शॉर्ट ले लो, इंस्टाग्राम रील्स ले लो, आई थिंक अगर आप अपना फ़ोन उठा के देखोगे और आप अपने फ़ोन का यूसेज देखोगे तो दिन में आप मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना इंस्टाग्राम शॉर्ट पे रील्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हो। एंड देन नैनो इन्फ्लुएंसर्स, इसको भी मैं समझाऊंगी। नैनो इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट दैट प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जिनका एक नीश में ऑलरेडी कंटेंट वो डालते हैं, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। एनालिसिस में क्या रहता है, डिजिटल एनालिटिक्स, मल्टी रीजन मार्केटिंग रहती है। सबसे पहले पॉडकास्ट की बात करें तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है दैट एम्प्लाइज प्रमोटिंग सेलिंग योर प्रोडक्ट और सर्विसेज थ्रू ऑडियो कंटेंट। अब सिंपल सी चीज़ है कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग बनाते हैं पॉडकास्ट की अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, तो थ्रू पॉडकास्ट यू नो जहाँ पे एक पर्सन क्वेश्चन कर रहा है, एक पर्सन आंसर कर रहा है ऑडियो फॉर्मेट में, यू नो ऑल दीज एप्लीकेशंस, जैसे एक तो पॉडकास्ट वो है जो यूट्यूब पर चलता है, बट एक पॉडकास्ट वो है जहाँ पे वीडियो नहीं होता है, इट्स ओनली वॉइस, राइट। एंड उसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे ये यू नो अपलोडेड रहता है और इसमें आप अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं। ये हेल्प करता है नई ऑडियंस को रीच करने में, ब्रांड की स्टोरी क्रिएट करने में, यू नो उसके अलावा बिल्ड अथॉरिटी, इनकरेज वर्ड ऑफ माउथ अगर हम मार्केटिंग की बात करें। देन डिजिटल एनालिटिक्स की अगर हम बात करें तो इन मार्केटिंग डिजिटल एनालिटिक्स ये प्रोसेस है जहाँ पे आप यू नो डेटा फ्रॉम चैनल्स की कितना कैसा यू नो ऑडियंस का एंगेजमेंट है, जैसे वेबसाइट, ईमेल, सोशल मीडिया एंड मोर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर बिहेवियर, कि वो क्या चाह रहा है, किस चीज़ को पसंद कर रहा है, किस चीज़ को नहीं पसंद कर रहा है। सिंपल चीज़ एनालिसिस किसी भी चीज़ का बहुत ज़रूरी है। बिजनेस में आप बिजनेस एनालिसिस करते हो, डिजिटल मीडिया में आप डिजिटल एनालिसिस करते हो कि आपके पास जो अलग अलग जगह से यूज़र आ रहे हैं वो क्या चीज़ प्रेफर कर रहे हैं, उनका क्या बिहेवियर है, वो उनका प्राइस रेंज क्या है, आई मीन वट एवर इट इज़, तो दैट इज़ बेसिकली एनालिसिस ऑफ द कस्टमर्स। देन इसमें मल्टी रीजन मार्केटिंग, हर जगह के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी। अब जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, व्हेन आई ट्रैवल टू डिफरेंट स्टेट्स, वहाँ पे एड्स बदल जाते हैं, यू नो एक्टर्स बदल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक पैंटीन के एड को रीजन वाइज अलग अलग सेलिब्रिटीज एंडोर्स कर रहे होते हैं। वो क्यों ऐसा कराते हैं, बिकॉज हर रीजन की मार्केटिंग, उनकी माइंडसेट और यू नो लोगों को जानना बहुत अलग अलग है, तो सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे आप डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स के अकॉर्डिंगली मार्केटिंग को प्लान कर रहे होते हैं, लाइक अकाउंट रीजनल डिफरेंसेस, कल्चर, लैंग्वेज, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट कंडीशन टू क्री। कोई एक प्रोडक्ट है, हो सकता है सेंट्रल इंडिया में वो लोग यूज़ ना करें बट साउथ में यूज़ करते हैं, तो सिंपल सी चीज़ है रीजनल मार्केटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक नया ट्रेंड है जहाँ पे आप डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट तरीके से चीज़ों को रीच आउट कर रहे हो। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, दिस इज़ द मोस्ट ट्रेंडिंग थिंग ऑन इंटरनेट। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एपिसोड्स ऑफ शार्क टैंक जहाँ पे लोग जो करोड़ों की सेल्स कर रहे हैं यूजिंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग, यूजिंग
these Instagram reels to sell their products, right? It's very simple. Abhi recently, you know, I met a girl and they have, you know, a shop in Bhopal, right? Unki sirf ek fashion ki shop hai. And coincidentally, I met her, so she said ki mera ye brand hai, 3.5 lakh followers hai Instagram pe. And she's selling all these products, you know. तो और वो शॉप जो है 10 साल पुरानी है, ये जस्ट अपग्रेडेड इट. और उस वीडियो में क्या करते हैं, ठीक है आज ये ड्रेस जो है वो मैंने पहनी हुई है, ये उसको ड्रेस का नाम दे दिया है, एंड द सेलिंग लाइक दिस कि ये सनफ्लावर ड्रेस है, ये दैट सो मेनी थिंग्स. सो अगर आप इसको सही से कैपिटलाइज कर पाए तो यू नो यू विल बी एबल टू नेल इट, आइदर इट्स योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, राइट. एंड इसके बाद अगर हम बात करें नैनो इन्फ्लुएंसर, तो नैनो इन्फ्लुएंसर आर बेसिकली नॉट दैट प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर्स. इसमें सिंपल सी चीज़ है कि नैनो इन्फ्लुएंसर वो है जो एवरीडे सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जिनके 1,000 से 10,000 फॉलोवर्स हैं. दे आरंट प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर्स इन एनी वे. उनके जो मेजॉरिटी ऑफ फ्रेंड पोस्ट होते हैं वो उनके यू नो फैमिली से रिलेटेड, फ्रेंड्स से रिलेटेड, कैट वीडियोस, मीम्स, इसके बारे में रहते हैं. तो लाइक उनसे आप जब प्रमोट कराते हो कॉस्टिंग बहुत कम होती है. दूसरी चीज़, लोगों को लगता है यार दे आर गिविंग काइंड ऑफ जेन्युइन फीडबैक, राइट. कई बार क्या होता है जब कोई इंसान एक ही नीच में कंटेंट क्रिएट कर रहा होता है तो लॉट ऑफ पीपल थिंक अच्छा ये नॉर्मल वीडियो है, जनरल वीडियो है या पेड वीडियो है, आई मीन समझ में नहीं आता. तो दैट इज ऑल्सो समथिंग बट दे कैन ट्राई. कई सारी चीज़ें हैं डिजिटल मार्केटिंग में आती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट स्ट्रैटेजी एंड क्रिएशन, राइट. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया प्लानिंग, मोबाइल मार्केटिंग, ई कॉमर्स स्ट्रैटेजीज, डेटा एनालिटिक्स फॉर मार्केटिंग, डिजिटल ब्रांडिंग एंड रेपुटेशन मैनेजमेंट, ऑनलाइन पीआर एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑटोमेशन, डिजिटल मार्केटिंग मैट्रिसिक्स एंड आरओआई एनालिसिस. मैं अगेन यहाँ पे एक और चीज़ बताती हूँ. आई मीन गर्ल्स आर वेरी लाइक ऑब्सेस्ड विद स्किन केयर, राइट. एंड किसी भी, जैसे आपने देखा होगा कि अभी आप अगर स्पेशली गर्ल्स, यू नो इफ दे आर वॉचिंग दिस एपिसोड, so everywhere they're seeing this, you know, Korean skincare. तो कोरियन जो कंपनी है उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में लॉन्च किए, और उन्होंने कैसे मार्केटाइज किया, हर कोई यूज़ कर रहा है, हर कोई उस पर यू नो रील्स बना रहा है. आप हर दूसरी रील आपको मिल रही है दैट अच्छा स्किन केयर में आप ये यूज़ कर सकते हैं ये. तो दिस इज़ बेसिकली दे आर क्रिएटिंग दैट हाइप फॉर देयर प्रोडक्ट. सो इस तरीके से उन्होंने एक रीजन को समझा, उसको मार्केटाइज किया. तो सोशल मीडिया इज़ द गेम चेंजर, आई मीन. बट हर कुछ टाइम में इंडस्ट्री में चेंजेस आते हैं. अभी के टाइम पे इट्स मोर ऑफ पॉडकास्ट, इट्स मोर ऑफ शॉर्ट कंटेंट्स विच मैटर्स द मोस्ट. एक टाइम था जहाँ पे इट्स मोर ऑफ SEO, बट अभी सोशल मीडिया इज़ द किंग. एंड आई हैव सीन पीपल ग्रोइंग. अगर आप इस फील्ड में ग्रो, आप काम करना सीख गए तो मुझे लगता है इवन आपको जॉब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप MBA डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद अपनी खुद की कंपनी ओपन करोगे, आप काम करोगे या कोई भी प्रोडक्ट ओपन करोगे, आप किसी भी चीज़ को सेल कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो. लाइक, शेयर एंड फॉलो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड